नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई एम कास्ट। होपफुली सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर पे मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये अजीब सी लोकेशन कैसी है, तो ये लोकेशन है एक प्राइवेट फार्म हाउस में। एक एकड़ के फार्म हाउस में एक कपल ने एक मिनिएचर ट्रेन मॉडलिंग का एक म्यूजियम बनाया है, नेवर इनफ गार्डन रेलवे। तो मैं वीकेंड पे वहीं पे ट्रिप करने आया था और बहुत अच्छा रहा। वापस लौटते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूं और आप लोगों से बातें करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो रोड थी यहाँ तक आने का जो रास्ता था, वो एंड का जो एक दो किलोमीटर का स्ट्रेस था, ये बहुत ही कच्चा पक्का सा था। तो यहाँ पे गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, ब्रेजा ने एज ऑलवेज, मतलब कभी निराश नहीं करती है गाड़ी। अगर आप ऐसे किसी रास्ते पे जाते हो और हमेशा आपको एक कमांडिंग पोजीशन में, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको लेके रखती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पूरी रोड कच्ची है और ऊबड़ खाबड़ भी था ये रास्ता थोड़ा, लेकिन हमेशा ये गाड़ी एकदम जम के चलती है और कभी इसमें ऐसी कोई शिकायत महसूस नहीं होती। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑफ रोडिंग का। ऑफ रोडिंग स्पोर्ट जो इंडिया में अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने भी लग गया है, लोगों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी आ गया है और बहुत सारे लोग वीकेंड पर ऑफ रोडिंग ट्रिप्स वगैरह करने जाते हैं। उसमें वो ऑफ रोडिंग ट्रैक्स वगैरह पर अपनी गाड़ी को ट्राई करते हैं ले जाके और उनकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह को चेकआउट करते हैं। आज उसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ऑफ रोडिंग एडवेंचर के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफ रोडिंग एडवेंचर मत करो, मत जाओ। मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बेस्ड डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। जो चीज़ें मैंने पता की, जिन चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया और जो चीज़ें लोगों से सुनने को मिलती हैं और जो प्रॉब्लम्स और जो सिचुएशन लोग फेस करते हैं ऑफ रोडिंग अपनी गाड़ी में लेके जाते हुए, उसके बाद में और उससे पहले, वो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। फायदे मुश्किल से मुश्किल दो या तीन फायदे हैं। और सबसे पहला एक फायदा अगर आपको हो सकता है, तो वो ये कि आपको अपने व्हीकल की रियल कैपेबिलिटीज का पता चल सकता है, जिसको कि शायद आप कभी फ्यूचर में कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो तो शायद आप उसको थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर पाओ और शायद ये आपके हेल्प आ जाए। इस चीज को लेके ये आपकी हेल्प करे कि भाई आपकी गाड़ी की क्या कैपेबिलिटीज हैं और आपकी गाड़ी के कौन कौन से टेरेन सिस्टम्स वगैरह हैं और आपकी गाड़ी में किस किस तरीके से 4x4 का आपको यूज करना है, 2x2 का आपको यूज करना है, जो भी आपकी फीचर्स आपकी गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, उस तरीके से आप उससे पूरी इंफॉर्मेशन से इक्विप हो सकते हैं। नंबर दो, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, तो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और एक थ्रिल। इसके अलावा तीसरा, इसका कोई एडवांटेज नहीं है। और बुरा मत मानना, इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, उनके लिस्ट बहुत लंबे होने वाली है। एक एक करके मैं शुरू करता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी 2x2 है, तो वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं है। खत्म, बाय बाय टाटा। अगर गाड़ी आपकी थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स क्लियर कर पा रही है, अगर गाड़ी आपकी थोड़े बहुत मड में से, स्लश में से या फिर थोड़े रॉकी रास्ते से निकल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई आपको आगे आने वाले टाइम में करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी गाड़ी को प्यार से रखना चाहते हो, प्यार से संभाल के उसको रखना चाहते हो, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि बिना मतलब के इस ऑफ रोडिंग स्पोर्ट एडवेंचर के चक्कर में मत पड़ो और तसल्ली से गाड़ी को उन रास्तों पे चलाओ जहां पे कि उसको चलाना चाहिए और जहां के लिए कि आपकी गाड़ी बनी हुई है। अभी आप एक चीज सामने से ध्यान से नोटिस करना, ये सड़क कितनी उबड़ खाबड़ थी। और यहाँ पे सामने देखो ध्यान से, एक ऑल्टो गाड़ी है, अभी अभी उसने थोड़ा सा सड़क पे आगे बढ़ाया और मेरी गाड़ी निकलने वाली थी और उसने बैक लेना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको हॉर्न दिया, वेट किया कि वो रुक जाए और उसके बाद में फिर मैंने धीरे से अपनी गाड़ी निकाली। इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए कहीं पे भी टर्न वगैरह लेते वक्त। अब बात करते हैं वापस से अपनी ऑफ रोडिंग के बारे में। देखो, ऑफ रोडिंग से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके व्हीकल को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो आपका सस्पेंशन हो, चाहे वो आपका इंजन हो, चाहे वो आपका ट्रांसमिशन हो, चाहे वो आपके ब्रेक पैड्स हो, चाहे आपकी गाड़ी में कोई भी एक सिस्टम ऐसा नहीं है, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो, अपनी गाड़ी को ऐसे ट्रैक्स पे चला रहे होते हो, कि उस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई आदमी पानी में ऑफ रोडिंग करता है, अगर ज़बरदस्ती उसको बिना किसी बात के उसको पानी के अंदर चला रहा है, तो पानी से होने वाले नुकसान का एक एक करके मैं आपके सामने जिक्र कर लेता हूँ। ये सारी बातें बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह देख के, अगर आप YouTube पे ऑफ रोडिंग एडवेंचर वीडियोस वगैरह देख के सोच रहे हो कि अपने व्हीकल को ऑफ रोडिंग ट्रैक्स वगैरह पे लेके जाओ या फिर ऑफ रोडिंग एडवेंचर जोन वगैरह में लेके जाओ, तो उससे पहले उसके नुकसान जान लो और ये जान लो कि ये कितना हानिकारक है आपकी गाड़ी के लिए, आपकी गाड़ी की लाइफ के लिए
और आपके हार्ड अर्न मनी के लिए जो कि आपने अपनी गाड़ी में इन्वेस्ट किया है। ऑफ रोडिंग सिर्फ आपको एक थ्रिल, एक एडवेंचर की फीलिंग करा सकती है, लेकिन ऑफ रोडिंग आपकी गाड़ी को और आपको एक मेजर नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पानी से क्या होता है, पानी सबसे पहले तो आपके कॉम्पोनेंट्स को खराब करता है, जैसे कि स्टार्टर को खराब कर सकता है, ऑल्टरनेटर को खराब कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप लगातार पानी में गाड़ी को चला रहे हो, बारिश हो गई, आपको जाना है, आपकी इमरजेंसी है, आप पानी में बिल्कुल चलाओ, उसके लिए गाड़ियां बनी भी होती हैं और इतना उसमें नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती अगर ऑफ रोडिंग ट्रैक पे लेके जा रहे हो जहाँ पे कि पानी भरा हुआ है, तो उससे आपके इंजन में रस्टिंग होने का बहुत चांस है, नीचे के पार्ट्स में रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो पार्ट्स भी डिटोराइट करेंगे और फिर वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो ये प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, सिर्फ आपका फैमिली टाइम किल होगा, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, आप अपनी फैमिली को लेकर तो ऐसे ऑफ रोडिंग ट्रैक्स वगैरह पे जाओगे नहीं, और भगवान ना करे आप अगर ऐसे ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पे गए हो या फिर किसी ऐसे एडवेंचर जोन में गए हो या फिर कहीं ऐसी सड़क पे ऑफ रोडिंग कर रहे हो जहां पे कि कोई दूर दूर तक नहीं है, कोई इस तरीके का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है तो यू विल नीड टू हैव अ हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, मे बी यू विल नीड अ टोइंग व्हीकल और समथिंग एल्स टू टेक योर व्हीकल आउट ऑफ दैट सिनेरियो। ये मैंने उन लोगों के साथ में ये कहानियां सुनी हैं कि ऑफ रोडिंग के लिए गए, एडवेंचर करने गए और गाड़ी का नास पीट दिया। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे, मतलब आप ये मान के चलो कि वन ऑफ माई फ्रेंड टुक हिज कार टू एन ऑफ रोडिंग एडवेंचर जोन, और वहां पे जाकर उसको ये लगा, एक मिथ बन जाता है दिमाग में कि मेरी गाड़ी ने तो ये ऑब्स्टेकल पार कर लिया और अब मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, ये तो कहीं पे भी निकल जाएगी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उसके बाद वो एडवेंचर जोन लेके जाने के बाद गाड़ी को किसी पहाड़ों में कहीं पे किसी जगह पे लेके गया, लेकिन जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है वो उन ऑफ रोडिंग एडवेंचर जोन से बहुत ज्यादा क्रिटिकल, ट्रिकी और हार्मफुल होती है। जब वो वहां पे गाड़ी लेके गया तो वहां पे उसकी गाड़ी का जो रेडिएटर था नीचे, मतलब उसने थोड़ी तेज निकाली एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहां नीचे रेडिएटर में एक पत्थर के हिट होने की वजह से रेडिएटर लीक कर गया, रेडिएटर सपोर्ट ब्रेक हो गया, और सपोर्ट ब्रेक होने की वजह से रेडिएटर हवा में लटक गया। अब आप सोच के देखो कि गाड़ी का जो रेडिएटर, जो सारा का सारा, मतलब मेन जो आपके इंजन को कूल करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी ठंडी रहती है, आपका इंजन अगर गर्म हो जाता है तो रेडिएटर उसे ठंडा रखने के काम में आता है, वो रेडिएटर सपोर्ट उसका भाई का हवा में लटक गया इंजन से निकल के। आप सोचो उस गाड़ी को क्या वो चला सकता था उस टाइम पे, फिर उसने किसी टोइंग व्हीकल को बुलाया, वहां से 200-300 किलोमीटर वो अपने आउट स्टेशन था, वहां से अपनी गाड़ी को टो करा के होम टाउन लेके आया। बिलीव करोगे कितना उसमें खर्चा आया होगा, रेडिएटर ब्रेक हो चुका था, रेडिएटर सपोर्ट का भी खर्चा आया, रेडिएटर का भी खर्चा आया, गाड़ी इंश्योरेंस से बाहर 70-80 हजार रुपए का उसमें खर्चा आया। सिर्फ क्या सोच के गया था कि एडवेंचर करूंगा और बहुत मजा आएगा, बहुत फन होगा, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी। देखो दोस्तों, एक बड़ी सीधी सी बात समझ लो, आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी को आपको संभाल के रखना है, उसको बहुत प्यार से मेंटेन करना है। पहले ज़माने में गाड़ियाँ जो होती थी 15-15 साल, 20-20 साल, 25 साल बिना किसी मेंटेनेंस के गाड़ियाँ चलती थी। आज की डेट में लोग गाड़ियों का इस तरीके से सत्यानाश मारते हैं, इस तरीके के ट्रैक्स पे चलाते हैं, जबरदस्ती उनकी ऐसी करते हैं, तो गाड़ी कहां से फिर साथ देगी? जब रियल में आपको जरूरत होगी, अगर मान लिया आप कहीं पे गए हो, वहां पे आप स्टक हो, आपके पास में और कोई चारा नहीं है, आपके सामने रास्ता खराब है, आप बेशक निकालो वहां पे उस रास्ते पे, लेकिन जबरदस्ती गाड़ी को एक ऐसे रास्ते पे लेके जाना कि एडवेंचर होगा और ऑफ रोडिंग से कोई फ़ायदा होगा, नहीं होने वाला, और आपकी गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ उससे नुकसान ही होगा, और कुछ नहीं होने वाला, और उससे आपकी पॉकेट पे ही फर्क पड़ेगा, आपकी गाड़ी जल्दी ख़राब होगी, जल्दी मेंटेनेंस मांगेगी और उसकी सर्विस कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो और नुकसान है ऑफ रोडिंग के, एक ऑफ रोडिंग, अगर आपको ऑफ रोडिंग का चस्का लग जाता है, तो ऑफ रोडिंग का चस्का लगने के बाद में आप सोचो अब मैं ऑफ रोडिंग कैपेबल टायर्स खरीद लूँ, ऑफ रोडिंग की लिफ्ट किट्स खरीद लूँ, विंचेस खरीद लूँ, हर ऑफ रोडिंग के बाद में आपको गाड़ी को अच्छे से इनसाइड एंड आउटसाइड क्लीन करवाना पड़ेगा, जो अगेन एक एक्सपेंस है। उसके अलावा आपको अगर ये लगने लग जाएगा कि आपकी गाड़ी एक इनविंसिबल व्हीकल हो गई है और एक बहुत ही पावरफुल व्हीकल हो गई है और आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वाकई में जो रियल ऑब्स्टेकल होगी वहाँ पे आपकी गाड़ी फंस जाएगी। क्योंकि हमेशा हर जगह कोई भी, आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, किसी भी 4x4 व्हीकल को देख लो, कहीं ना कहीं जाके वो भी स्टक हो जाती है और फिर उसको निकालना पड़ता है ट्रैक्टर की हेल्प से। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने देखी हुई हैं। यूट्यूब में एक बार सर्च बार में डाल के देखना ऑफ रोडिंग डिसएडवांटेजेस, एक वीडियो नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप वाकई में अपनी गाड़ी से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी लंबे समय तक आपका साथ दे और आप अपनी गाड़ी का साथ दो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट फॉलो सच वीडियोज एंड डो नॉट ट्राई दिस एट योर वीकेंड्स। ओके, अब मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ। अब आप ये एक एडवेंचर जोन की
इमेज है, आप इस इमेज को देखो और आप जरा सोच के देखो इस इंसान ने अपनी गाड़ी के ऊपर कितना प्रेशर डाला हुआ है। ये गाड़ी जब एक पर्टिकुलर स्टोन से दूसरे पर्टिकुलर स्टोन पे टायर लिफ्ट करके प्लेस करेगी, कितना जबरदस्त जोर इस गाड़ी के ब्रेक पैड, क्लच पैड और सस्पेंशन सेटअप पे, टायर पे, पूरे के पूरे मैकेनिज्म पे पड़ेगा। मतलब आप इसका पूरा जितना स्टील फ्रेम होगा, बॉडी की जितना लाइनअप होगा, सारा का सारा हिल जाएगा। कितनी जल्दी ये गाड़ी मतलब बिल्कुल ब्रेक डाउन होने की कंडीशन में पहुंच जाएगी। मतलब मेरी समझ में नहीं आता क्यों इस तरीके से अपनी गाड़ी के साथ में करना है, कोई बदला उतारना है अपनी गाड़ी के साथ में या क्या करना है। अपनी गाड़ी है, अगर ऐसा आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑफरोडिंग का बहुत ज्यादा शौक है, डोंट टेक योर व्हीकल, गो टू एन ऑफरोडिंग एडवेंचर जोन एंड वहां पे शायद कुछ व्हीकल्स वगैरह मिलते हैं जिनसे कि आप उनमें ट्राई कर सकते हो। दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड व्हीकल्स एंड दे आर इक्विप्ड विद दैट पर्टिकुलर गियर एंड दोस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जिससे कि ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि डोंट गेट एक्साइटेड ओवर एंड स्टे फोकस्ड इन टेकिंग कंप्लीट केयर ऑफ योर कार। कभी ऐसी किसी बेकार वीडियो को देख के अपनी गाड़ी के साथ में कुछ भी उल्टा सीधा ट्राई मत करो। आपकी ही गाड़ी है, आपको ही संभाल के रखनी है। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ लोग जो ऑफ रोडिंग एंथुसियास्ट होंगे शायद उन्हें थोड़ी बुरी लगी हो, बट गाइस एक बार ठंडे दिमाग से और एक बार तसल्ली से सोचना कि क्या वाकई में आपकी गाड़ी अगर 2x2 कैपेबिलिटी की है, अगर 2x2 फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है आपकी, तो क्या वो ऑफ रोडिंग कार है? नहीं है। इसलिए प्लीज डोंट ट्राई दिस। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस के लिए और ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ रेजा एंड ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।